हेलो आदाब गुड इवनिंग नमस्कार रात के नौ बजे एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ और आप तमाम लोगों का स्वागत उम्मीद है आप अच्छे होंगे आज मैं बहुत सारे लोगों के सवाल और नाम भी लिख कर लाया हूँ वो इसके बाद कहानी के बाद संजय गांधी के अलावा और भी बहुत सारे सवाल थे लोगों के कोशिश करूँगा मैं उनके जवाब देने की इसके बाद लेकिन आज की जो कहानी है इसकी भी बहुत ज़माने से फरमाइश हो रही थी आप लोगों के ज़रिए तो मुझे लगा और ये इसलिए भी ये कहानी थोड़े मेरे करीब है क्योंकि जिस शख्स की कहानी है मैं ना मालूम कितनी बार मिला हूँ इस दफ्तर में मुलाकात हुई इससे पहले हमारा दफ्तर वीडियो कॉन्टावर करोल बाग के पास हुआ करता था वहाँ पे मुलाकात हुई कुछ जगहों पे साथ भी गया और इतनी कम उम्र में मौत हो जाएगी ये कभी सोचा भी नहीं था तब चौंतीस पैंतीस साल की टोटल उम्र होगी लेकिन जो काम उसने किया और जो चीज़ें हुई उसकी वजह से एक उसकी अपनी पहचान बन गई थी और शायद उसकी वजह ये भी है कि हम इंसानों में कमज़ोरी ये है कि हम उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा गहराई से सोचते हैं जिसके बारे में हमें पता ना हो मतलब क्योसिटी जो है वो इंसानों की कमज़ोरी है कि अच्छा ये कैसे होता है क्या होता है जैसे हम सब जानते हैं कि इंसान पैदा हुआ है तो मरेगा भी लेकिन मरने के बाद क्या कोई ज़िंदगी होती है मरने के बाद की ज़िंदगी अगर होती है तो कैसी होती है जिस जगह मौत के बाद जाते हैं वो जगह क्या है क्या भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ है क्या मुर्दा भी बात करते हैं क्योंकि अलग अलग धर्मों के हिसाब से अलग अलग मौत के बाद आखिरी सफ़र या अंतिम संस्कार की रस्म होती है लेकिन ये सारे सवाल इसलिए आते हैं कि ज़िंदगी में जो होता है वो तो हम सब जानते हैं देखते हैं हमारे सामने लेकिन मौत के बाद क्या होता है ये मतलब कोई दावे के साथ कैसे कह सकता है कि अच्छा ये होता है वो होता है भूत प्रेत होते हैं कि नहीं मुर्दे बात करते हैं कि नहीं आत्माएं होती हैं कि नहीं जिन जिन्नात रूप कितना सच है तो ये सारी चीज़ें जो हैं और इनके राज इनके रहस्य वो इंसानों को खींचती हैं उनकी तरफ और इसीलिए इसको लेकर जितनी बातें होती हैं क्या कहें है? मतलब जो हर इंसान की अपनी अपनी कहानी है अपनी अपनी उसकी एक सोच है अपना यक़ीन है और उसी के बलबूते पे वो सारी बातें करता है कि ज़िंदगी के बाद का सच क्या है मौत क्या है मौत के बाद क्या होता है तो ये सारी कहानी यहीं इसी सवालों के इर्द गिर्द घूमती है दिल्ली का एक लड़का गौरव तिवारी आम मिडिल क्लास में पढ़ा पैदा हुआ उसके बाद जब उसने कॉलेज अपना पूरा किया तो उसके घर वालों की तमन्ना थी कि वो पायलट बने तो कॉमर्शियल पायलट के लिए उसने यूएस में अप्लाई किया था और अमेरिका में वो चला गया वहाँ पे बाकायदा कॉमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग के लिए उसका सिलेक्शन हुआ वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट था और वहाँ पे उसने कॉमर्शियल पायलट की पढ़ाई भी शुरू कर दी वो या उसके घर वालों का भूत प्रेत इन चीज़ों से कोई लेना देना दूर दूर तक का वास्ता नहीं था बल्कि यह अजीब कहानी इसलिए भी है कि गौरव तिवारी या उसके माँ बाप वो इन चीज़ों को मानते ही नहीं थे कि भूत प्रेत होता है आ, मुर्दे बोलते हैं या साया होता है या कोई इस तरह की चीज़ें डरती हैं या डराती हैं इन चीज़ों का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था तो इसीलिए और गौरव की सोच भी नहीं थी और उसको पायलट बनना था पायलट बनने के लिए अमेरिका गया उसके बाद उसका ये था कि हिंदुस्तान लौटेगा और कमर्शियल पायलट की उसने ट्रेनिंग ली थी तो उसका ये था कि किसी भी एयरलाइंस में एक नौकरी मिलेगी अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा लेकिन किस्मत में लिखा हुआ कुछ और था जब ये अमेरिका जाता है और ट्रेनिंग के लिए जब एडमिशन सब कुछ हो गया वहाँ ये पढ़ाई पूरी कर रहा था तो वहाँ पर इसने एक अपार्टमेंट में एक कमरा किराए पर लिया जहाँ ये रहता था और वहीं से अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रहा था तो इसने जो जिस किराए के कमरे में रहता था वहाँ पे अमेरिका में वहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है पहली बार उसके दिमाग में ये सारे सवाल जो मैंने शुरुआत में आपसे कही कि ज़िंदगी के बाद क्या होते हैं ज़िंदगी के बाद का सच क्या है मौत के बाद क्या होता है ये सारी चीज़ें सारे सवाल पहली बार उसे अमेरिका के उसी घर में आया जहाँ वो किराए पर रहता था उस घर में गौरव के मुताबिक कुछ अजीब सी चीज़ें होती थी वो रात को सोता था तो उसको आवाज़ आती थी कुछ ऐसा लगता था कोई उसके पास है कोई उसके बेड पे है और उसको एक अजीब सी वहाँ पे फीलिंग शुरू हुई और उसे लगा कि नहीं कुछ अदृश्य ताकत होती है कुछ इस तरह की शक्तियाँ होती हैं भूत प्रेत आत्मा ये सब होती हैं क्योंकि शुरू में इग्नोर किया लेकिन धीरे धीरे उसे ये लगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है फिर उसने कुछ लोगों से पड़ोसियों से वहाँ जो कि नया था हिंदुस्तान से गया था उसने पूछताछ शुरू की तो कुछ लोगों ने अपनी अपनी कहानियाँ सुनाई कि पहले यहाँ ये यह रहता था और इससे पहले भी कुछ लोगों ने बात की है फिर उसके दिमाग में ये भी आया कि शायद वो जिस कमरे में किराए पर लेकर आता उसको सस्ता इसलिए मिला अमेरिका जैसे मुल्क में कि वो थोड़ा सा हॉन्टेड टाइप का हो गया था मामला तो ये चीज़ें उसके दिमाग में और घर कर गईं उसके बाद फिर भी वो डरा नहीं उसने घर भी नहीं बदला वो वहीं रहा और उसको फिर पहली बार ख़्याल आया कि इन चीज़ों को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर ये ये चीज़ें होती क्या हैं क्या सच में भूत प्रेत होता आत्माए है आत्माएँ होती हैं मुर्दे होते हैं मुर्दे बात करते हैं तो वो उसी घर में रहने लगा और हर रात उसको अपना जो भी चीज़ें उसके आसपास उसको लगता था जो भी अजीब हो रही आवाज़ आ रही है किसी के चलने की आवाज़ किसी के हंसने की आवाज़ किसी के बेड पे बैठने की कभी लेटने की एहसास तो इन चीज़ों को उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया और उसके बाद वो इतनी गहराई में डूब गया इन सवालों को लेकर और इनके जवाब जानने के लिए कि उसने जिस काम के लिए गया था वो काम ही छोड़ दिया उसने कहा कि अब मुझे पायलट नहीं बनना और उसने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी कॉमर्शियल पायलट की और इसके बाद इसको छोड़कर उसने अमेरिका में ही पैरा नॉर्मल एक्टिविटीज़ के जो सब्जेक्ट हैं उस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया कि ये चीज़ें होती क्या है और इन सब चीज़ों का सच क्या है तो पैरा नॉर्मल सब्जेक्ट पे उसने अपना अपनी पढ़ाई शुरू कर दी अमेरिका में घर वाले इधर नाराज़ भी हुए कि किस बेवकूफ़ी में पड़ गया है गया था अच्छा खासा पायलट बनने के लिए अब ये कहाँ भूत प्रेत के चक्कर में घर वाले मानते तक नहीं थे इन चीज़ों को तो ये सिलसिला उसका चलता रहा उसने स्टडी की काफ़ी पढ़ाई की यू में ही पायलट की जगह पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की और काफ़ी रिसर्च करने के बाद 2009 में ये 2006 में अमेरिका गया था गौरव 2009 में वापस हिंदुस्तान आ जाता है दिल्ली आता है और दिल्ली आने के बाद अब चूंकि ये तब तक की बहुत सारी चीज़ें पैरानॉर्मल चीज़ इसकी के बारे में उसने पढ़ा था और समझा तो इंडिया में ऐसी कोई चीज़ थी नहीं अच्छा इत्तेफाक की बात यह है कि जब 2009 में गौरव हिंदुस्तान लौटा और दिल्ली आया मीडिया में भी एक फ़ेस चल रहा था उस वक्त आप लोगों को भी याद होगा अगर न्यूज़ चैनल आप लोग लगातार फॉलो करते हैं हमारे यहाँ अचानक सीरियस न्यूज़ से भटक गए थे हम सब और कुछ चैनल ने शुरुआत की उसका देखा देखी सभी ने फिर टीआरपी के होड़ में लग गए और हमने भूत प्रेत और वो चीज़ें जिनका आम लोगों से कोई सरोकार नहीं कोई मतलब नहीं है एक तरह से जो तमाशा कहें वो न्यूज़ चैनल में हावी हो गया वो दिखाना शुरू कर दिया अघोड़ी की सीरीज़ चली हॉन्टेड प्लेस की सीरीज़ चली और ये मैं कह रहा हूँ अपने आप को मैं साफ़ सुथरा नहीं बता रहा हूँ चूँकि ये हुआ था कि भैया टी चाहिए और तो ऐसी खबरें करनी पड़ेगी वरना आपका कंपटीटर आपको मार देगा तो मुझे अपने क्राइम के शो में भी कई सारे भूत प्रेत के शो करने पड़े जिसको मैं सिरे से खारिज करता हूँ नहीं मानता हूँ लेकिन मजबूरी थी पेशे की तो ये हर चैनल में एक अजीब सी एक दौड़ लग गई होड़ लग गई कि कौन कितना इस तरह की खबरें दिखाता है तो ये वो दौर था जिस दौर में गौरव तिवारी यूएस से पैरानॉर्मल सब्जेक्ट पर रिसर्च करके हिंदुस्तान आया और जब वो आया तो उसने देखा कि हिंदुस्तान में क्या रही है तो यहाँ पे न्यूज़ चैनल पे भी इस तरह की खबरें चल रही हैं फलाने किला में भूत है फलाना हॉन्टेड प्लेस है वहाँ पे रात को ये होता है वहाँ कब्रिस्तान में लोगों ने ऐसा देखा इससे पहले दिल्ली में मंकी मैन वाला इंसिडेंट भी हो चुका था वो भी याद ताज़ा थी सबको तो उसके लिए आइडियल प्लेटफॉर्म था हिंदुस्तान में जब वो लौटा जिस सब्जेक्ट पर रिसर्च करके शायद पायलट बन के आता तो उसे नौकरी में थोड़ी बहुत दिक्कत भी होती एयरलाइंस अच्छा चुनने में लेकिन इत्तेफाक से उसने पैरा नॉर्मल चीज़ों पे सब्जेक्ट पे रिसर्च किया और इंडिया आया तो देखा वही सब चीज़ें चैनल पे भी चल रही तो उसकी भी दुकान चमक गई इस दौरान में उसने करीब छः हज़ार वर्ल्ड के जो हॉन्टेड प्लेसेस हैं सिर्फ इंडिया में नहीं ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन यूएस और भी पता नहीं कितने कंट्री वहाँ पर जाकर इसने काम किया और सच पता नहीं पता लगाने की कोशिश किया है हॉन्टेड प्लेस है यहाँ भूत प्रेत है यहाँ पे कोई आत्मा आती है और चूंकि अब टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा वो तरक्की कर गया है तो कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे जिनके ज़रिए जैसे रोशनी या फिर एक केटू मशीन उस वक्त बड़ा फेमस था वो बताता था कि यहाँ पे कुछ इस तरह की आत्माएं हैं या बात कर रही हैं नहीं हैं और कुछ ऐसे कैमरे थे जो अंधेरे में भी तस्वीरें क़ैद करते थे तो ये सारी चीज़ें थी तो करीब छः हज़ार दुनिया भर के हॉन्टेड प्लेस का विजिट किया और उसका हिंदुस्तान आने के बाद ये सारे बीच बीच में भी करता रहा फिर गौरव तिवारी ने पहली बार इंडिया में एक पैरा नॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया ये उसका प्रेसिडेंट था और अपने कुछ ऐसे ही साथियों को जिनका शौक था इन चीज़ों को तलाशना जिंदगी के बाद के मौत के सच को ढूंढना, तो ये यही काम और इसके लिए इसने पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाया अब ये अपना इसका एक तरह से काम जारी था ये इस तरह की चीज़ें ढूंढता था कभी कब्रिस्तान में कभी शमशान में कभी मुर्दा घर में कभी हवेलियों में कभी हॉन्टेड प्लेस में अलग अलग जगहों पे और फिर इतना काम किया कि ये न सिर्फ सर्टिफाइड पैरानॉर्मल का इन्वेस्टिगेटर था गौरव तिवारी बल्कि यू का भी सर्टिफाइड ये फील्ड इन्वेस्टिगेटर था यू एफ भी रखा हुआ था और सर्टिफाइड था बाकायदा यू से तो ये सारी चीज़ें इसकी चल रही थी इस दौरान में इस कई टीवी शो में भी गौरव ने काम किया जो इस तरह के हॉरर शो और वांटेड शो थे टीवी के रियलिटी शो ऑस्ट्रेलिया के एक रियलिटी टीवी हॉरर शो में काम किया यहाँ तक ये भी कि हिंदुस्तान में दो ऐसी फिल्में आई एक टेंगो चार्ली आई थी और एक सोलह दिसंबर बहुत अच्छी फिल्म थी सोलह दिसंबर, उसमें शायद अर्जुन रामपाल या कोई और लेकिन कहानी बहुत अच्छी थी तो 16 दिसंबर और इसमें दो फिल्मों में काम किया कई सीरियल में काम किया और इसके साथ साथ दुनिया भर के हॉन्टेड प्लेसेस को विज़िट करता रहता था इसी दौरान में गौरव एक बार ऑस्ट्रेलिया गया था ऑस्ट्रेलिया में ये था कि एक इसको दिमाग में ये आइडिया आया था कि अगर मुर्दे भी बोलते हैं या मुर्दे जो हैं उनका बिहेवियर क्या होता है मुर्दे जब अकेले में होते हैं तो वो किस तरह की हरकतें करते हैं इसको समझना था ये इसके अपने इस पेशे की एक शायद डिमांड थी या उसकी अपने दिमाग की सोच थी तो इसके लिए ये ऑस्ट्रेलिया गया और ऑस्ट्रेलिया के एक मुर्दा घर में बाकायदा अपनी टीम के साथ पहुंचता है और उस वक्त हालांकि इसका एक्सीडेंट हुआ था पैर में चोट भी लगी हुई थी गौरव के लेकिन उसके बावजूद पहले से सब प्लान था तो वहाँ जाना था परमिशन मिली हुई थी तो ऑस्ट्रेलिया के एक मॉर्चरी में एक मुर्दा घर में जहाँ पे सारी बॉडी रैक के अंदर रखी जाती थी और टेम्परेचर बहुत जाहिर सी बात है बॉडी ख़राब ना हो तो उस हिसाब से टेम्परेचर भी तो एक ऐसा खाना एक ऐसा रैक खाली रखा गया जिसमें मुर्दा नहीं था और बाकी उस मुर्दा घर में चारों तरफ करीब पचास सौ ऐसे रैक थे जिसके अंदर डेड बॉडी थी एक चिलर स्ट्रेचर पर उसी के अंदर डाल के मुर्दा को अंदर डाला जाता था और बंद कर दिया जाता था, था ताकि बॉडी ख़राब ना हो बाकायदा इसके जो साथ के लोग थे और ऑस्ट्रेलिया के जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के कुछ लोग थे वो ये जांच करने के लिए मदद की और एक चिलर स्ट्रेचर पर लेटा कर गौरव को उस मुर्दा घर के अंदर एक खाने में डाल दिया जाता है उसके पास सिर्फ दो चीज़ें थी एक टॉर्च और एक थर्मल इमेजिंग कैमरा जो अंधेरे में भी शूट कर सकता है जो सब कुछ देख सकता है जो आदमी नंगी आंखों से ना देखे वो वो कैमरा देख सकता था तो चिलर स्ट्रेचर पर लेट कर गौरव अंदर जाता है और दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है <coughs> जब वो अंदर पहुंच जाता है और जब गौरव इशारा करता है तो बाहर से उसको बंद कर देते हैं और उसके बाद ये तय हुआ था कि वो सारे लोग वहाँ से चले जाएंगे और सुबह ही आएंगे मुर्दा घर के अंदर गौरव अकेला पूरी रात उसके साथी सब जा चुके हैं और बस उसको ये देखना था कि यह मुर्दे बात करते हैं मुर्दे बोलते हैं या क्या होता है क्या नहीं होता है और वो जहाँ लेटा था उसके दाएँ मुर्दे बाएं मुर्दे ऊपर मुर्दे नीचे मुर्दा और उनके बीच में वो तो पूरी रात रहने के बाद जब ये सुबह फिर टाइम फिक्स था आए इशारा किया ठंड से इसकी हालत ख़राब बाहर आता है कुछ आवाज़ें सुनाई दी थी लेकिन कुछ ख़ास कामयाबी नहीं मिली ऐसा जो कैमरे पे और उस पर रिकॉर्ड हो सके वो चीज़ें नहीं मिली लेकिन कुछ आवाज़ें सुनाई दी थी और उसके बाद वो आवाज़ बंद हो गई थी तो वहाँ पे कोई उसको बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिली लेकिन वो एक जो एक्सपीरियंस था कि एक पूरी रात एक मुर्दा घर में अकेले मुर्दों के बीच में एक तो होता है कि आप बाहर चलो मॉर्चरी में ड्यूटी लगी हुई है गार्ड भी घूम रहा है लेकिन आप उसी मुर्दे की तरह मुर्दा बनकर आप उसके अंदर हैं चिला रजिस्ट्रेचर पर लेट कर और वो बंद है तो वो एक अजीब एक शेयर किया था तब मुझे याद है जब वो कहानी सुना था तब मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे फिर उसी के बाद उसी ऑस्ट्रेलिया में इस मुर्दा घर से निकलने के बाद चूंकि बहुत सारी चीज़ें मिली नहीं कामयाबी नहीं मिली और जुनून ये था कि नहीं कुछ करना है तो गौरव को पता चला कि ऑस्ट्रेलिया में ही एक जेल है बहुत पुराना और उसका ओल्ड गिलोंग ओल्ड गिलोंग करके नाम है वो और वो बड़ा मतलब जो भी इसका नाम सुनता है वो कहाँ उठता है कहते हैं कि वहाँ मतलब तो लोग सेहरन पैदा हो जाती थी कि अजीब अजीब से वहाँ पे साए हैं भूत प्रेत है और वो बहुत हॉन्टेड जेल है उसका अपना इतिहास था तो उसमें था कि लोग कुछ रहसमयी ताकतें वहाँ पे घूमती हैं लेकिन उस जेल में वाकई कोई रहता है या नहीं है या अफवाहें हैं इसको जानने के लिए गौरव उस जेल को विजिट करता है और वो जेल के अंदर जाने के बाद चूंकि वो हॉन्टेड था वहां पे कुछ था नहीं अपने कैमरे से जेल के कॉरिडोर की तमाम तस्वीरें लेता और इधर उधर की जितनी भी तस्वीरें हैं वो सारी तस्वीरें लेता है और इन लोगों का कुछ खास वो भी था ये बार बार वो बात भी करता था कि अगर कोई यहाँ है तो हमारे सामने आए और यहाँ में एहसास कराए कि यहाँ पे कोई आत्मा है इस तरह की कोई रूह है तो ये सब भी बोलता रहता था ये आगे मैं बताऊँगा आपको जो मैंने खुद ख़ुद देखा लेकिन खैर ये सारे कैमरे की तस्वीरें लेता और उसके बाद तस्वीरें बहुत सारी लेने के बाद वापस ये अपने ठिकाने पे पहुंचता है और उन तस्वीरों की फिर जांच शुरू करता है जो इसने कॉरिडोर में जेल में ली थी तो उन्हीं तस्वीरों को देते देखते देखते अचानक लाल एक रेड कलर की लाइट थी वहाँ पे एक उस लाल कलर की रोशनी में जो इसने तस्वीर ली थी तब सब कुछ कॉरिडोर एकदम खाली कोई इसके अलावा था नहीं लेकिन फोटोग्राफ्स में और वो फोटो देखा है हम लोगों ने एक काला साया नजर आता है और वो काला साया बिल्कुल इंसान का और ऐसा नहीं कि वो कोई परछाई बन गई या वो बन गई एकदम और वो काला साया आता है और यूँ निकल जाता है ये उसके कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था बाकायदा और उसी में से एक तस्वीर में और भी आता है जिसमें एक काला साया आता है और बाकायदा कैमरे में झांकता है झांक के देखता है और फिर गायब हो जाता है ये भी उसका उस तस्वीर में थी ये ये चीज़ें तो ये सारी चीज़ें चल रही थी उसके बाद फिर हिंदुस्तान में जैसा मैंने बताया उस वक्त न्यूज़ चैनल में भी इस तरह की खबरों की बाढ़ थी तो अलग अलग चैनल ने फिर जब भूत प्रेत की बात हुई तो ये भी हुआ उसमें एक एंगल कि क्यों ना पैरा सोसाइटी के लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाए उनके साथ कुछ चल के ऐसे हॉन्टेड प्लेस का मुआयना किया जाए तो मुझे याद है ख़ुद आज तक ने कुलधरा जिसकी मैंने एक बार आपको कहानी सुनाई थी जो पालीवाल का गांव था और एक ही रात में चौरासी गांव के लोग गायब हो गए थे इस शर ये शराब देते हुए कि इस गांव में कभी कोई दोबारा आबाद नहीं होगा और उस कुलधरा के बारे में कहते हैं उस कुलधरा में मैं तीन चार बार जा चुका हूँ कि वहाँ रात होते ही अजीब अजीब सी आवाज़ आती है किसी के दौड़ने की किसी औरतों के बात करने की पाजेब की रोने की बच्चों की मेले के शोर की तो ये सारी चीज़ें थी अब वहाँ पे एक गेट लग चुका है और रात पे वहाँ कोई रह नहीं सकता और ये भी कहते हैं कि वहाँ पे जो रात को रुका वो कभी लौटा नहीं तो आज तक की टीम ने यह तय किया था कि कुलधरा जाएंगे और कुलधरा में ये पता लगाएंगे कि वाकई कुछ है कि नहीं और उसमें गौरव चूँकि पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट और उनकी टीम के चार लोग जिसमें एक लड़की भी थी वो सब जाते हैं वहाँ पर और के टू मीटर और ये सारी चीज़ों के साथ पहली बार में गौरव ने हालांकि कहा था कि यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं कोई साया नहीं है और उसमें कुछ चीज़ें मिली नहीं इसके बाद एक बार कब्रिस्तान भी गौरव के साथ टीम गई ये देखने के लिए कि वाकई मुर्दे होते हैं क्या होते हैं तो कहते हैं कि जब कब्रिस्तान पहुँचे ये बल्कि है तो उसने अपने सारे मीटर लाइट्स ये वो सारे उससे जो इक्विपमेंट्स होता है उनसे उसने वहाँ पे चेक करना शुरू किया कि कब्रिस्तान में मुर्दे मुर्दे तो होते हैं लेकिन वो मुर्दे करते क्या क्या बोलते हैं टहलते हैं या मिलेंगे तो वहाँ जाने के बाद अचानक मीटर में बाकायदा आवाज़ रिकॉर्ड हुई और एक मुर्दे की आवाज़ थी और उसके बाद वो गौरव तिवारी ने ये कहा कि ये कह रहे हैं कि आप हमें डिस्टर्ब मत करो आप लोग यहाँ से चले जाओ और फ़ौर निकलने के लिए कह रहे हैं तो वो शूट फ़ौर ख़त्म हो गया था और वो थोड़ा उसने बोला भी कि नहीं अब इन, इन इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं रोक सकते तो यहाँ से निकलना होगा और जाहिर सी बात अब कैमराम और बाकी लोगों वो तो बेचारे उनकी तो हालत वैसे ही ख़राब हो जाएगी अगर कोई कब्रिस्तान में खड़े हो गए रात को ऐसा बोले तो खैर वहाँ से निकल गए इस तरह की कई चीज़ें हुई कई जगह पर ऐसे हुआ जहाँ पे उसने के टू मीटर और ये सारी चीज़ें लगाई और उसमें अजीब अजीब तरह की आवाज़ें रिकॉर्ड हुई जो हम कान से अपने वहाँ पे खड़े होकर मौजूद रहकर नहीं सुन, सुनाई दे रहा था लेकिन उस मीटर में बाद में रिकॉर्डिंग में सुनाई दी और वो अजीब अजीब तरह की आवाज़ें थी तो ये सारी चीज़ें चल रही थी और देश दुनिया में लगातार गौरव जो है वो अपना काम कर रहा था कि भूत प्रेत होता है कि नहीं होता है इसकी सच्चाई क्या है ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके लेकिन कहीं ना कहीं गौरव की ज़िंदगी के ऊपर भी असर डालने लगी थी और कहते ये हैं कि एक वक्त बल्कि उसने हम लोगों ने कई बार उससे जब बातचीत की तो हमने कहा कि आप दिन भर भूत प्रेत और ये कि इसके बाद इंसान क्या करता है मुर्दों का सच क्या है ये सब करते रहते हो आप तो आपकी लाइफ पे क्या असर पड़ता है तो उसने बोला कि ये तो है कि हम आम इंसान होते हुए भी थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं और कई बार हालांकि उस वक्त मुझे पटी लगी ये बात लेकिन उसके मौत के बाद वो लाइने याद रहती उसने बोला कि इन चीज़ों के बीच में कई निगेटिव ताकतें परेशान करती हैं तो मुझे ये शब्द समझ में नहीं आया नेगेटिव ताकतें मतलब क्या तो उसने कहा कि वो कुछ बुरी आत्माएं जैसी हालांकि जो एक मेरा चूँकि मैं मानता नहीं उन चीज़ को तो एक बार मैंने उससे पूछा था कि जो आप कहते हो ये भूत प्रेत जिंदगी के बाद का सच मुर्दे क्या करते हैं आत्माएं है, जिन जन्नात ये सब चीज़ों का कि, कि, कि सच्चाई क्या है तो आप एक तरह से लोगों को डराते हैं आप तो उसने कहा नहीं एक्चुअली दुनिया में बाकी लोग भूत प्रेत के नाम पे सबको डराते हैं बल्कि मेरा तो ये है कि इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है वो इसलिए कि ये किसी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं तब तक जब तक कि आप उनको नुकसान ना पहुंचाओ आप उनको डिस्टर्ब ना करो तो मैं साइंस के ज़रिए इन चीज़ों को साबित करते हुए इंसानों के दिमाग से उनका डर निकालना चाहता हूँ और यही पैरानॉर्मल सोसाइटी का काम है अच्छा तेज़ तर्रार सब कुछ अपने काम में माहिर तो उसकी जो पूरी टीम थी वो भी बिना गौरव तिवारी के कहीं इस तरह के मिशन पे अगर गौरव नहीं होता था तो वो लोग भी कंफर्टेबल फील नहीं करते थे लेकिन उसका ये कहना था कि मैं इन चीज़ों को फैला नहीं रहा हूँ बल्कि मेरा मकसद है कि लोगों को ये बताएं कि भूत प्रेत से डरने की ज़रूरत नहीं है तो ये सारी चीज़ें हो रही थी सब कुछ चल रहा था उसका अपना काम चल रहा था आ, एक इसी बीच में ऑस्ट्रेलिया में एक और रियलिटी शो था जिसमें उसको काम करना था लेकिन तभी अजीब सी चीज़ होती है जो जिंदगी के बाद का सच ढूंढने निकला था खुद उसकी अपनी मौत एक पहली बन जाती है 2016 में 2015 के बाद आखिर में शायद उसकी शादी हुई गौरव की शादी को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा था और 2016 आता है दिल्ली के द्वारका इलाके में गौरव का घर था गौरव की नई नई शादी हुई थी उसकी पत्नी थी साथ में और माँ और बाप ये चार लोग उस घर में रहते थे 6 जुलाई उस दिन वेडनसडे का दिन था आ, अच्छा गौरव का एक चूंकि ये काम था पैरानॉर्मल जो एक्टिविटीज़ पूरा तो ये दिन के उजाले में कभी इतना सक्सेसफुल नहीं होता तो दिन के उजाले में चूँकि लोग भी होते हैं डर भी कम लगता है ऐसे सुनसान जगहों पे जैसे आप मैंने कुलधरा का जिक्र किया वहाँ तो टूरिस्ट भी पहुँच जाता दिन में लोकल भी पहुँच जाते हैं लेकिन जैसे ही सूरज डूबता अंधेरा होता है तो फिर खौफ या डर अंधेरे अंधेरा जो है वो ज़्यादा बढ़ाता है तो गौरव के इन सारे जाँच का काम जो है हमेशा रात को ही हुआ करता था तो इसलिए आमतौर पर वो रात को घर हमेशा लेट पहुँचता था जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक ठीक थी लेकिन शादी हो गई तो अब हर बार लेट आना ज़ाहिर सी बात है बीवी को भी अच्छा नहीं लगता और कई बार इसको लेकर झगड़ा भी हुआ तो 6 जुलाई वेटसडे का दिन द्वारका में इसका घर था और पूरे दिन उस दिन घर पे ही था गौरव 6 जुलाई को शाम साढ़े सात बजे घर से निकलता है एक जनकपुरी जगह है दिल्ली में वहाँ पे एक हॉन्टेड प्लेस है चूंकि ऐसे जगहों की बारे में ये छानबीन करता रहता था कि कहाँ कहाँ ऐसे हॉन्टेड प्लेस है और उनकी सच्चाई सामने लाना उसका काम था तो साढ़े सात बजे गौरव अपनी टीम के साथ घर से निकलता है बाकी टीम बताई हुई जगह पे मिलती है और ये जनकपुरी में एक हॉन्टेड प्लेस की जांच करने के लिए पूरी टीम पहुंच जाती है जहाँ पे कुछ ऐसी अनजान शक्तियों को ढूंढना था और वहाँ पहुँचने के बाद ये लोग अपना काम करते हैं छः जुलाई साढ़े सात बजे निकलते हैं रात बारह बजे के बाद अगली तारीख लग जाती है सात जुलाई दिन भी बदल जाता है थर्सडे हो जाता है करीब रात डेढ़ बजे गौरव वापस अपने घर लौटता है साढ़े सात का गया हुआ डेढ़ घंटे मतलब डेढ़ बजे रात को लौटता है जब डेढ़ बजे घर आता है तो इसकी वाइफ से फिर उस दिन झगड़ा होता है कि तुम इतनी लेट तक बाहर काम करते हो ये है वो है और इस झगड़े के बाद खैर गौरव सो जाता है और माँ बाप भी उस दिन वहीं सोए हुए थे सुबह थर्सडे यानी सात जुलाई की टाइम पे पूरा परिवार उठता है साढ़े सात से आठ के बीच में गौरव भी उठता है इसके बाद बाकायदा नाश्ता करता है <स्थाथ> और रात का गुस्सा भी शांत हो चुका था पत्नी का भी नाश्ता वाश्ता करने के बाद ये अपने लैपटॉप पे बैठता है जो रात इसने काम किया था वो उसको चेक करता है कुछ मेल चेक करता है कुछ मेल भेजता है और ये सारी चीज़ें करने के बाद 11 से सवा ग्यारह के बीच में जब सारे घर वाले घर में ही मौजूद थे ये अचानक उठता है और बाथरूम जाता है बाथरूम जाने के कुछ ही मिनट के बाद कुछ गिरने की आवाज़ आती है बाथरूम से तो जब आवाज़ आती है तो वाइफ़ वहीं पे थी वो फौरन बाथरूम की तरफ जाती है बाथरूम लेकिन दरवाज़ा बंद था अंदर से फिर वो आवाज़ देती है लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है फिर माँ बाप आते हैं खैर वो ऐसा था कि वो आराम थोड़ी सी मुश्किल के बाद बाथरूम का दरवाज़ा खुल जाता है अंदर फ़र्श पे गौरव पड़ा हुआ था और बेहोश उसके गले पे एक काला निशान था वो अजीब सा एक निशान था तो खैर चीख पुकार मस्ती है फौरन फिर एम्बुलेंस बुलाया जाता है पास के हॉस्पिटल में ले जाते हैं लेकिन जब हॉस्पिटल ले जाते हैं डॉक्टर चेक करता है तो डॉक्टर ब्रॉड डेट डिक्लेयर कर देता है कहता है इनकी तो मौत हो चुकी है अभी एकदम अजीब बात थी कि एकदम ठीक ठाक एक बंदा उठता है बाथरूम जाता है और अचानक उसकी मौत और गले में एक काले रंग का निशान खैर पुलिस आती है अब गौरव बेशक भूत प्रेत आत्माओं इन सब चीज़ों पे बिलीव करता हो आप पुलिस इन चीज़ों को नहीं मानती पुलिस का अपना काम पुलिसिया अंदाज में जाँच करने का तो पुलिस पूरे घर की तलाशी लेती है देखती है उस बाथरूम को फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाती है पहली नज़र में पुलिस यही कहती है कि ये सुसाइड है अब लेकिन वो जो कुंडी भी थी वहाँ पे बस उस कुंडी से कोई कपड़े या वो लटका हुआ नहीं मिला था हाँ एक कपड़े का टुकड़ा ज़रूर बाथरूम से मिला पर आमतौर पे जो फांसी लगाता है उसकी लाश झूलती हुई मिलती है बट गौरव की लाश फर्श पे पड़ी भी मिली थी और कहीं कोई चोट का निशान नहीं उसका पुलिस जब तफ्तीश करती है फिर पता चलता है रात को झगड़ा हुआ था इससे पहले भी लेट आने में झगड़ा होता है तो उस पुलिस खैर पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का इंतज़ार करती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत की वजह पे कोई ख़ास रोशनी नहीं डलती है बल्कि वो यही कहती है कि ये एक तरह से खुदकुशी है अब लेकिन घर वाले मानने को तैयार नहीं कि कैसे खुदकुशी फिर ये हुआ कि झगड़े की बात तो यह कि झगड़ा रात को हुआ था डेढ़ बजे और अगर ऐसा ही गुस्सा था तो खुदकुशी करने वाला सोच के ख़ुदकुशी नहीं करता है वो सडनली करता है तो झगड़े के बाद वो आराम से सोया सुबह उठा उसने ब्रेकफास्ट किया मेल पे एकदम मरने से कुछ मिनट पहले तक वो मेल पे था और मेल पे बाकायदा रिप्लाई कर रहा था बल्कि एक मेल में उसने ये भी लिखा था कि उसकी एक किसी मैगजीन के फ्रंट पेज पे उसकी तस्वीर आने वाली है तो ये सब बातें लिखने उसके बाद अचानक दो मिनट में जाके बाथरूम के अंदर सुसाइड कर लेना वो थोड़ी सी अजीब सी बात लग रही थी तो इसी दौरान पूछताछ होती है फिर पुलिस जब और पता करना शुरू करती है तो गौरव की वाइफ बताती है कि करीब एक हफ़्ता दस या पंद्रह दिन से गौरव लगातार एक चीज़ कह रहा था उससे वो ये कि कुछ नेगेटिव शक्तियां उसके पीछे पड़ी हुई हैं और वो उन्हें तंग कर रही हैं तो इससे लगा कि शायद काम ज़्यादा है डिप्रेशन में है किसी और वजह से इसलिए ऐसी बातें कर रहा है लेकिन गौरव ये लगातार ये बात कहता था अच्छा गौरव ने ये बात पहले भी कई अपने लोगों से शेयर किया था कि ये जो सारे काम करते हैं इसमें कुछ ऐसी नेगेटिव ताकतें आती है, ऐसी हैं ऐसी अदृश्य शक्तियाँ जो उसको तंग करती हैं परेशान कर रही हैं तो ये बात अब जब वाइफ ने बताई पुलिस को तो जाहिर सी बात है पुलिस इन चीज़ों को तो मानेगी नहीं तो पुलिस लास्ट तक ये रही कि नहीं ये मामला ख़ुदकुशी का है अब लेकिन यहाँ पे सवाल जो फैमिली वालों ने उठाया और बड़ा जेनवन क्वेश्चन सवाल उठाया था वो ये कि गौरव की ना माली हालत खराब थी ना घरेलू हालत इतनी ख़राब थी झगड़ा इस तरह से लेट आना हर दूसरे तीसरे घर में होता है बीवियाँ गुस्सा होती हैं वो हम लोगों के साथ भी होता है और उसके बाद फिर वो सुबह नॉर्मल उठता है ब्रेकफास्ट करता है लैपटॉप चेक करता है मेल पे जाता है मेल करता है लोगों को अपने बताता है मेरे बुक पे सब कुछ आ रही है तो कोई बीमारी नहीं और कुछ ऐसी चीज़ नहीं मतलब ख़ुदकुशी करने की कोई सॉलिड वजह नहीं तो अब पुलिस ने अपना ये तो कह दिया कि ये मामला सोसाइट का है लेकिन खुद पुलिस इस सवाल का जवाब नहीं दे रही कि चलो सोसाइट का है ठीक है लेकिन सोसाइट क्यों मोटिव क्या रीज़न क्या इसके पीछे इस सवाल का जवाब पुलिस के पास नहीं और उस निशान को भी लेके कोई कंक्रीट जवाब आया नहीं फिर बाद में एक चीज़ ये भी आई कि इसी पैरा नॉर्मल सोसाइटी में काम करने वाली एक लड़की थी जिसके साथ गौरव के नज़दीकी रिश्ते थे और शायद उस वजह से भी गौरव की मौत हुई हो लेकिन फिर बात आ जाती है कि जो खुदकुशी की पूरी थ्योरी थी वो इस्टेब्लिश नहीं हो रही थी और इसको भी सिर्फ ये कहानी के तौर पे लिया गया कि एक रिश्ता था और इस वजह से ऐसा कुछ हो सकता तो उसमें ये था कि अगर ऐसा था तो गौरव के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था शादी करने के लिए भी तो वो शादी भी कर सकता था तो वो चीज़ें भी आधी अधूरी रह गई तो कुल मिलाकर इसमें लास्ट में यही है कि घर वालों के हिसाब से घर वाले आज भी मानने को तैयार नहीं हैं कि गौरव खुदकुशी कर सकता है और खुदकुशी की कोई सॉलिड रीजन वजह नहीं सामने आई कभी तो जो आदमी ज़िंदगी भर अदृश्य ताकतों शक्तियों और मौत जिंदगी के बाद के मौत का सच ढूंढता रहा ढूंढने की कोशिश करता रहा उसकी खुद अपनी मौत पहली बन जाएगी और इस तरीके से मौत होगी और अचानक होगी ये किसी ने नहीं सोचा था ये हम सब लोगों के लिए भी बड़ी शॉकिंग थी क्योंकि जब भी ऑफिस आया हमेशा अच्छे से मिलने वाला हंस हंसने खेलने वाला वो लड़का और अचानक मौत की खबर सुनी तो हम सबको भी यकीन नहीं हुआ था तो अब ये वाकई सुसाइड है या जो गौरव बता रहा था कि नेगेटिव शक्तियाँ उसे तंग कर रही थी वो मौत के पीछे हैं ये कहना बड़ा मुश्किल है मतलब इन सवालों का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है लेकिन ये है कि हाँ जिस तरीके से मौत हुई उसने बहुत सारे शक और सवाल पैदा किए हैं और जिनका जवाब कंक्रीट न पुलिस दे पाई ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे पाई ना बाकी और कोई जांच दे पाई तो ये थी एक ऐसे लड़के की कहानी जो कहाँ तो पायलट बनने के लिए निकला था घर से और कहाँ भूत प्रेत और अदृश्य शक्तियों की तलाश में उसने अपनी ज़िंदगी फिर लगा दी और उसी में जुट गया और फिर खुद अपनी ही उसकी ज़िंदगी के साथ साथ उसकी मौत भी जो एक पहली बन गई मुझे लगता है कि इसमें पूरी कहानी यही थी अब मैं आगे बढूं इससे जुड़े हुए ही सवाल लूं उससे पहले कुछ लोगों के मैं लेकर आया था जिन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं एक सागर कौशिक हैं एक राशिदा अरहान प्रदीप सिंह शेखर आनंद ये रणवीर सेना की कहानी सुनना चाहते हैं मैं बिल्कुल आपको सुनाऊंगा ये भी इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं रणवीर सेना में सोनू शाह श्रीनिवास कपूर ये अतीक अहमद की कहानी सुनना चाहते हैं जो यूपी के बाहुबली हैं सोनिया कंबोज हैं ये इसराइल फ़लस्तीन के रिलेशन पे कहानी सुनना चाहती हैं और इन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ लिखी आज मुझे मेल पढ़ा अच्छा लगा ये शायद अभी इसराइल गई थी अपने किसी प्रोफेशनल असाइनमेंट पर और इन्होंने कहा था कि वो वहाँ विदेश में अकेली थी लेकिन क्राइम तक पे कहानी सुनकर इनको एहसास नहीं हुआ कि ये अकेली है तो थैंक यू आ, सोनिया जी आ, रोहन पुजारा हैं इनकी भी दस साल जो है वो मेडिकल प्रैक्टिस करते हुए पूरा हो गया है और इन्होंने लिखा है कि ये कोशिश करते हैं कि जो गरीब और ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करें मुफ्त उनका इलाज करें तो बहुत नेक काम कर रहे हैं आप रोहन पुजारा साहब बस इसी तरह करते रहें आपको बहुत दुआएं मिलेंगी अभिषेक दास हैं फानी भूषण प्रसाद इसके अलावा सुभाषीष दत्ता हैं ये कनु सनयाल की कहानी सुनना चाहते हैं इन्होंने सही कहा बहुत कम लोगों को पता होगा कनु सन्याल के बारे में मोहम्मद शहजादे सुयाश मिश्रा संदीप गुप्ता संदीप गुप्ता साहब आपको बहुत बहुत बधाई हो कल ये क्राइम तक फैमिली के मेम्बर हैं और डेली कहानी सुनते हैं और इन्होंने कहा कि कल इन्होंने कहानी नहीं सुनी थी और इसकी एक बड़ी ख़ास वजह थी कल इनके घर में एक नया मेहमान आया इनकी एक बिटिया हुई है और यह बाप बन गए हैं एक बेटी के तो संदीप साहब बहुत बहुत मुबारक हो ऊपर वाला उसे लंबी उम्र दे सेहत दे और आप लोग अच्छे रहें बीटू महंता हैं आर्या नीलेश फारूक नलकानी फारूक नलकानी साहब का भी बर्थडे है आज तो आपको बहुत बहुत आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं हमेशा अच्छे रहिए नाजिश खान नवीन प्राशर उपेंद्र मल्ला बबीता भारती ये सिवान से हैं और सिवान की कहानी सुनी थी और इन्होंने अपनी एक कहानी अपने घर की बताई ऊपर वाला सबको अच्छा रखे साहेब लाल मौर्य किशन दुबे राजीव शर्मा ये नौतनवा से हैं जो इंडो नेपाल बॉर्डर है इसके अलावा रंजीत सिंह भारत शर्मा भारत शर्मा साहब बेल्जियम में हैं और इनकी अभी लास्ट ईयर शादी हुई थी इनका कहना था कि इनकी वाइफ इंडिया में है और ये बड़ा वहाँ अकेला महसूस करते हैं लेकिन क्राइम तक की कहानी जो है थोड़ा इनका वक्त काटने में मदद करती है और इनकी तमन्ना है कि जल्दी इनकी वाइफ बेल्जियम पहुँचे ताकि दोनों मिलकर कहानी सुने तो भारत साहब जल्दी आप दोनों साथ होंगे और अब दोनों साथ जब कहानी सुने तब मुझे ज़रूर बताइएगा इसके अलावा वरुण श्रीवास्तव हैं और एक किसी ने एक सवाल पूछा था पूजा रजनी है इन्होंने कहा था संजय गांधी की कहानी सुनाइए वो मैं सुना चुका शायद आपने मिस कर दिया हो तो लेकिन अभी भी पड़ा हुआ क्राइम तक पे आप देख सकते हैं एक हर्षित दाधीक्ष हैं इनका सवाल ये था कि ये निठारी से जुड़ा हुआ है कि ये मैंने पहले भी जवाब दिया हालांकि पर कई लोगों के और सवाल थे तो मुझे लगा कॉमन सब के जवाब देता हूँ जो पंद्रह साल की लड़की थी पंद्रह सोलह साल की पायल जो डी फाइव निठारी में वो रिक्शे से उतरी थी और वो घर के अंदर गई थी रिक्शे वाले ने बयान दिया था तो अंदर क्यों गई थी और किसने बुलाया था ये कई सवाल पहले भी लोगों ने पूछा तो मैंने बताया था कि उसको चूँकि वहाँ पर मनिंदर सिंह पंडेर कई बार पहले भी बुला चुका था अपने घर में और इसीलिए उसने बुलाया था और वो पहले भी वहाँ जा चुकी थी तो उसके जाने की वजह यही थी दूसरा एक ये था कि अबू सलेम के कहानी में मोनिका बेदी को भी जब एक डॉन के साथ ऐसे क्रिमिनल के साथ है तो उसको सज़ा कम मिलनी चाहिए मोनिका बेदी के ऊपर कोई और इस तरह के इल्ज़ाम नहीं थे सिवाय पासपोर्ट फॉर्जरी के मामले में जिसमें सज़ा हुई थी तो फर्जीवाड़ा पासपोर्ट करने के मामले में सज़ा हुई और कुछ नहीं और दूसरा कि पुर्तगाल ने जानते हुए कि अबू सलेम पे इतने केसेस हैं क्यों ऐसी शर्त मानी कि 25 साल से ज़्यादा मतलब उसने कहा कि क्योंकि पुर्तगाल सरकार का कानून है कि वहाँ फांसी की सज़ा नहीं हो सकती तो इसीलिए उसने इन सारी चीज़ों को जो है आ, वो माना और उसके बाद भेजा तो ये था सबका अब मैं दीपक से बोलूँगा दीपक बताओ सर ऋषभ आदर जी का सवाल हाँ, है कि पैरा एक्टिविटीज़ की रिगार्डिंग कोई लॉ है क्या आईपीसी में और ऋषभ भाई इसकी मुझे जानकारी नहीं है कि पैरानॉर्मल के बारे में हमारे आईपीसी में कोई है कि नहीं है अच्छा आपने सवाल किया मेरी भी जानकारी बढ़ेगी मैं ज़रा इसको एक बार चेक करूँगा सच सतीश मेहता जी का सवाल है कि गौरव की मौत के पीछे क्या उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो डिप्रेशन में ले गया उसको या कोई भूत प्रेत या कुछ और ही वजह थी उसकी मौत के पीछे नहीं देख तो नहीं लिया था लेकिन अब चूँकि एक ही विटनेस है गौरव की वाइफ जिन्होंने ये कहा कि वो लगातार ये कह रहे थे कि कुछ नेगेटिव शक्तियाँ कुछ इस तरह की अदृश्य ताकतें परेशान कर रही हैं और वो वही सोच उसके अंदर दिमाग में डाल रही हैं और वो उसको नुकसान पहुँचाना चाहती हैं लेकिन किस तरीके से नुकसान ये भी अपने आप में कि मान लीजिए अगर एक तरह से ये सुसाइड भी है तो क्या ये भी सवाल उठाता तो क्या उन नेगेटिव शक्तियों ने जबरन गौरव को ऐसा करने के लिए मजबूर किया कि तुम ऐसे मरो और इस तरह से मरो तो ये सारी चीज़ें हैं लेकिन इन सवालों के जवाब नहीं है सर आशीष सोनी जी का सवाल है क्या भूत प्रेत की आड़ में ए परफेक्ट मर्डर को अंजाम दिया गया है सर वो कह रहे हैं कि कुछ अफेयर्स भी थे क्या वो सच हैं वो आप देखिए परफेक्ट भाई मर्डर अब ये सारी बातें फिर हवा हवाई हो जाएंगी क्योंकि इसमें कोई प्रूफ कोई सबूत कुछ है नहीं और अब उस घर में चार लोग थे फिर यहाँ पे भी एक अजीब है इतफाक़ँ मिस्ट्री होती है उस घर में चार लोगों की कहानियाँ बहुत होती हैं क्योंकि ये इसलिए याद आ रहा आरूषी मामले में भी गौरव उसकी वाइफ और माँ बाप अब जाहिर सी बात है कि लेकिन दिन दहाड़े इस तरीके से घर के अंदर मर्डर थोड़ा सा रिस्की हो जाता है लेकिन सच क्या है ये कहना भी बड़ा मुश्किल है कि वाकई क्या है ये so, सर सौरभ वर्मा जी का सवाल है सर नेक पे ब्लैक निशान क्या था वो हाँ ये जो जब वो निशान पाया गया उससे पहले घर वालों ने कहा था कि गौरव के पहले निशान नहीं थे तो वो अब हालांकि पुलिस का ये कहना था कि हो सकता है कि जब एस्ट्रैगलेशन होता है फंदे का तो उसकी वजह से हो गया हो लेकिन वो अजीब से निशान थे आमतौर तौर पर जब आप सुसाइड करते हैं अगर हैंगिंग फंदा कस के तो गले पे नीले रंग का निशान पड़ता है टाइट होने से लेकिन वो ब्लैक कलर का काला थोड़ा सा अजीब निशान था लेकिन वो निशान भी एक रहस्य ही है सर कई लोग का जनरल सवाल है कि आपको क्या लगता है उनकी मौत किस वजह से हुई थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया था देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो मौत की वजह थी वो दम घुटना था कि दम घुटने से मौत हुई है और लेकिन अब वही चीज़ें हैं कि जो चीज़ इस केस को थोड़ा सा उलझा देती हैं एक जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर उस बाथरूम में कुंडी थी जिससे आप लटक के सुसाइड किया जा सकता है लेकिन आम तौर पर जब कोई हैंगिंग करता है इस तरीके से लटकता है तो लाश झूलती हुई मिलती है लेकिन मैं इसको ये भी नहीं कहूँगा कि हंड्रेड परसेंट कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है फंदा कमज़ोर हो वो खुल गया और गिर गया हो और जब वो बाथरूम में था और कुछ गिरने की आवाज़ आई थी जिसके बाद गौरव की वाइफ उस बाथरूम तक जाती है तो अब यहाँ पर भी दो चीज़ है एक ये है कि गौरव या तो खड़ा हुआ था और वो धड़ाम सा गिरा तो भी आवाज़ आ सकती है या गौरव लटका हुआ था और वो फंदा खुल गया और नीचे गिरा तो उसकी भी आवाज़ आ सकती है तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबिलिटी हैं लेकिन एक्चुअल में वो लटक रहा था या फिर खड़े खड़े वो गिरा इसके बारे में कोई मतलब कंक्रीट पुख्ता तौर पे मतलब मैं कहने के लिए इस वक्त उस पोजीशन में नहीं सर जी पी पटीदार जी का सवाल हाँ। है सर क्या आपको लगता है कि गौरव जी को प्रिकॉशन लेना चाहिए था नेगेटिव एनर्जी की डील करने के लिए आप प्रिकॉशन किस तरह का मुझे ये भी पता नहीं क्योंकि जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है जो एक तो होता है कि चले हमें पता है ये हमारा दुश्मन है इससे हमें ख़तरा है ये हमें मार सकता है ये हमें गोली मार सकता है चाकू मार सकता है गाड़ी से कुचल सकता है जहर दे सकता है लेकिन उनसे प्रिकॉशन कैसे या उनसे कैसे बचूँ जो हमारे सामने नहीं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे जो अदृश्य हैं तो उनसे आप कैसे बचेंगे अगर मान लीजिए ऐसा है तो तो ये बड़ा मतलब मेरे लिए भी अजीब सा है कि वाकई मैं मतलब जो मेरा एक अननोन दुश्मन अनजान है मतलब अनजान अननोन भी यहाँ पे गलत शब्द है मतलब जो मुझे दिखाई ही नहीं देता है और वो मेरा दुश्मन है तो मैं उससे कैसे बचूँ ये आप लोग भी सोच के देखिए सर चंद्र प्रकाश जीक्ष से पूछ रहे हैं कि सर गौरव के साथ जो उनकी टीम पैरानॉर्मल सोसाइटी बनाई गई थी उसका क्या हुआ क्या चल रही है आ बाकी के उनके साथी हैं काम भी कर रहे हैं लेकिन जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट गौरव और गौरव इस टीम की जान थे और उनकी वजह से बाकी लोगों का हौसला बढ़ता था तो इस वक्त मैं उनकी टीम के टच में नहीं हूँ लेकिन मैं ये भी पता करता हूँ कि हाँ वो लोग अभी क्या कर रहे हैं और कहाँ हैं सर डॉक्टर मोहम्मद जीशान जी कह रहे हैं कि मीडिया टीआरपी की होड़ में अपना धर्म भूल जाती है आ, जिशान साहब ये गलत भी नहीं कहा आपने जो आपने कहा है क्या है ना कि ये जो होड़ और तरक्की टीआरपी इन चीज़ों के लिए कई बार बहुत सारी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए वो सब हो जाती हैं हालांकि इसको गलत मानता हूं मैं लेकिन वक्त वक्त पे ये फेस आता है आप आप लोगों ने न्यूज़ चैनल देखा होगा एक ज़माने में जैसे मैंने कहा भूत प्रेत आया तो पूरे देश से भूत प्रेत की खबरें चल रही फिर नाग नागिन आया उसकी खबरें चलने लगी फिर एक दौर राखी सावंत का आया तो हर जगह पर राखी सावंत ही छाई हुई थी एक दौर कॉमेडी का आया जिसमें न्यूज़ में भी राजू श्रीवास्तव के ही शो चलने शुरू हो गए फिर एक दौर खली का आया हर चैनल पे बस खली खली ही चल रहा था तो ये जितनी चीज़ें बताएं इनका न्यूज़ से कोई सरोकार नहीं है कोई मतलब नहीं है लेकिन एक ट्रेंड चला टीआरपी के लिए लेकिन शुक्र है कि इधर पिछले कुछ सालों से वापस ट्रैक पे लौटे हैं सारे चैनल और अभी फ़िलहाल तो सिर्फ न्यूज़ ही हावी है और न्यूज़ ही चल रहा है और न्यूज़ चलना ही चाहिए क्योंकि न्यूज़ चैनल का मतलब ही न्यूज़ है बाकी ये सारी चीज़ें तो इसके लिए इंटरटेनमेंट चैनल हैं बाकी चैनल हैं और लोगों लोग भी अगर न्यूज़ चैनल पर आते हैं तो ये सोच कर आते हैं कि उन्हें न्यूज़ देखना है अगर मुझे म्यूज़िक सुनना है तो मैं म्यूज़िक चैनल पर जाऊँगा मुझे फिल्म देखना है तो मैं मूवी चैनल पर जाऊँगा मुझे क्रिकेट देखना है तो मैं स्पोर्ट्स चैनल पर जाऊंगा तो न्यूज़ चैनल का मतलब ही होता है न्यूज़ लेकिन ये है कि बीच बीच में पटरी से हटते भी हैं और ये ठीक नहीं है लेकिन अभी शुक्र है कि सब डर्रे पे हैं और न्यूज़ ही चल रहा है सर विवेक अगरवल अग्रवाल जी का सवाल है सर गौरव की डेथ के बाद क्या आपका नज़रिया बदला भूतों को लेकर हाँ नहीं मेरा नज़रिया नहीं बदला है देखिए मैं मतलब अभी भी हालांकि गौरव के साथ बहुत सारी मेरी बातें हुई सारी इन चीज़ों को लेकर और उसी ने यह बताया था कि भूत प्रेत से डरने की ज़रूरत नहीं ना मैं डराता हूँ मैं तो बताता हूँ कि वो कभी नुकसान नहीं पहुँचाते लेकिन मतलब किस्से कहानियाँ बहुत सुनता हूँ बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मेरी आँखों देखी है सच्ची है लेकिन पता नहीं क्यों मैं मतलब इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता हूँ सर चंद्र प्रकाश जी ने फिर से पूछा सवाल सर क्या उनकी टीम ने गौरव से संपर्क करने की कोशिश की थी जैसे वो करते थे आत्माओं से बात गौरव बात करते थे तो क्या उनकी टीम ने भी बात करने की कोशिश नहीं ये मैंने पता नहीं किया मैंने बताया कि उनके टीम के टच में भी नहीं हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है कि गौरव की मौत के बाद उनकी टीम ने वाकई कुछ ऐसा किया क्या नहीं सर एक ही पेज ही पूछ रहे हैं सर क्या ये स्टोरी प्योर फिक्शन हो सकती है हो सकती है इनका नाम आदित्य नाम है आदित्य साहब बिल्कुल इस पर फिक्शन बनाया जा सकता है बल्कि हो सकता है कुछ लोग काम भी कर रहे हों लेकिन अफसोसनाक है एक नौजवान लड़का जो पायलट से सीधे इस फील्ड में आता है और उसकी अपनी ज़िंदगी ही इतनी छोटी हो जाती है और मौत पहली बन जाती है तो बड़ा अफसोस होता है इन चीज़ों पर कई लोग चाहते हैं आप लखनऊ से नॉर्थ ईस्ट से जो स्टोरीज हैं वो वो भी कवर हाँ मैं जल्दी आपको बाकी जगह से भी सुनाऊंगा आप लोगों की मुझे मालूम है और मैं यकीन मानिए आप लोग जब कहते हैं तो मुझे ये ऐसा नहीं है मैं कोशिश करता हूँ हर एक की फरमाइश पूरी करूँ लिस्ट लंबी हो जाती है कहानियों का की अलग अलग फरमाइश होती है तो उनमें से एक साथ और इतने कम वक्त में हर एक की पूरी करना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन ये मेरा आपसे वादा है कि मैं एक एक करके आपको सारी कहानी सुनाऊँगा और ज़रूर सुनाऊँगा अब हमारी मुलाकात कल होगी कल थर्सडे है <coughs> कुछ लोगों ने अभी कहा कि जीशान साहब थे जो कि टीआरपी के लिए क्या क्या भूल जाते हैं तो मैं आप लोगों को एक चीज़ और जानकारी भी दे दूं कि हर थर्सडे को जितने न्यूज़ चैनल हैं उनकी टीआरपी आती है और ये हर हफ्ते का है हर हफ़्ते कुआं खुदता है हर हफ्ते पानी पी जाती है तो वो टीआरपी हर थर्सडे को आती है और हर थर्सडे को ये बताया जाता है कि कौन सा चैनल किस नंबर पर है हालांकि लगातार आज तक नंबर वन रहता है आ, लेकिन बाकी शोज़ जो हैं प्रोग्राम्स हैं जैसे वारदात है तो वारदात किस पोजीशन पे कहाँ है बाकी इसी तरह के शोज़ कहाँ हैं तो पूरा आपका एक हिसाब किताब जो होता है हर थर्सडे को जिसको हम लोग टी कहते हैं तो वो थर्सडे को रिलीज़ होता है तो कल थर्सडे है कल आपसे रात नौ बजे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ तब तक आप अच्छे रहिए खुश रहिए और बस यूँ ही क्राइम तक की कहानी सुनते रहिए और अपनी सारी जो शिकायतें हैं या जो तारीफ़ हैं या जो सुझाव हैं वो सब भेजते रहिए अपना हक समझ के क्योंकि हम सब एक ही परिवार हैं तो इसलिए थैंक यू